आदम अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल तक तौहीद पर कायम रहने के बाद उन लोगों में बुत परस्ती इस तरह शुरू हुई कि उन बुरे लोगों में बाज नेक लोग भी थे। ये बुरे लोग उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनसे तकर्रुब हासिल करते थे, उनकी शान में बहुत मुबालगा करते थे। जैसा कि आजकल बाज लोग उलमा और सालेहीन की मदह सराई में जमीन व आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, यही चीज बाद में शिर्क का जरिया बनी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह नूह आयत 23 में अल्लाह के फरमान, और उन्होंने कहा कि हरगिज अपने माबूदों को न छोड़ना और न वद और सुवा और यगूस और यऊक और नस्र को छोड़ना की तफसीर करते हुए इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है। वो फरमाते हैं कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज नेक आदमियों के नाम हैं। जब वो फौत हो गए तो शैतान ने उनके कौम के दिल में ये बात डाल दी कि जहाँ वो हजरात बैठा करते थे वहाँ उनके बुत बनाकर रख दो और उनको वही नाम दो जो उन बुजुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया और पत्थर के बुत बनाकर उनके नाम उन बुजुर्गों वाले रख दिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा न हुई, लेकिन जब ये लोग फौत हो गए और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के यही बुत बाद में अरब में पूजे गए और अल्लाह ताला के फरमान का यही मतलब है, यानी उन नेक बुजुर्गों के बुत बना लिए गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पूजा शुरू कर दी गई और सब लोगों ने एक अल्लाह की इबादत से इनकार कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम अकेले इस दुनिया में मुवाहिद और तौहीद परस्त बाकी रह गए। नूह अलैहिस्सलाम का नसब कुछ यूं है, नूह बिन लामिक बिन मत्तूशलह बिन इदरीस। इस तरह इदरीस अलैहिस्सलाम इनके पड़दादा हुए। उस वक्त लोगों की उम्रें बहुत तवील होती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कई 100 साल जिंदा रहे और नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल से भी ज्यादा अरसा जिंदा रहे। उम्र लंबी होने की वजह से इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान काफी मुद्दत बनती है और इसी मुद्दत के दौरान कुफ्र और शिर्क ने जोर पकड़ा और बुतों की इबादत शुरू हो गई। तब अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को जमीन में मबूस फरमाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 कर्न थे। एक कर्न 100 साल का होता है। आदम अलैहिस्सलाम के 1000 साल बाद तक लोग तौहीद पर कायम रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने उन्हें शिर्क के रास्ते पर डाल दिया। शिर्क आम हो गया, एक अल्लाह की इबादत बिल्कुल खत्म होकर रह गई। तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह की तरफ दावत दी, उन्होंने बहुत मशक्कत उठाई, जैसा कि सूरह नूह में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला बख्शिश और रहम करने वाले के नाम से शुरू करता हूँ, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्ररा तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो मौकूफ नहीं होता, काश तुम्हें समझ होती। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में सख्त मेहनत करते, दिन रात लोगों के घरों और उनके इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते। आप उन्हें एलानिया और पोशीदा तौर पर दावत देते, यहाँ तक के दावत देते देते उन्हें 950 साल गुजर गए, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई ईमान न लाया। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी कौम को दिन रात तेरी तरफ बुलाया, लेकिन मेरे बुलाने से ये और ज्यादा भागने लगे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां ठूंस ली, अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और कहने लगे, हम तेरी शक्ल देखना नहीं चाहते। मेरे अल्लाह, ये लोग तेरी बातें सुनना पसंद नहीं करते। मैंने फिर भी उनसे कहा, अपने मालिक से बख्शिश तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला है। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम में एक बादशाह था, वो बहुत मगरूर था। वो कौम से कहने लगा, नूह की बातों पर कान न धरना और न इससे बहस करना, ये जो करता है इसे करने दो, तुम अपने बुतों की पूजा पर डटे रहो। चुनाचे लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम की बातों की तरफ से कान बंद कर लिए।
अपने बादशाह की बात पर अमल करने लगे। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ परवरदिगार, ये मेरा कहना नहीं मानते, उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल ने उन्हें फायदा तो न दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे दरपे कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर न छोड़ी, और आपस में एक दूसरे से कहने लगे अपने देवताओं को न छोड़ना, न वद और न सुआ और न यगूस और न यऊक और न नस्र को छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला, और परवरदिगार तू ऐसा कर कि ये जालिम और ज्यादा गुमराह। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसा में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फुकारा, मसाकीन, नातवा और गुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी मुआशरे में कोई हैसियत नहीं होती। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो शरफ व जाह के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दें और सब तुझ पर ईमान ले आए, लेकिन इससे पहले हमारी एक शर्त है, ये कि आपके हल्के में जो ये जलील और हकीर लोग आ गए हैं, इन्हें धक्के देकर अपने पास से निकाल दे, इसलिए कि हम अपनी कौम के सरदार, चौधरी और मकाम व मर्तबे वाले लोग हैं, इसलिए हम इन फकीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते, अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरह हूद आयात 27-31 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील हैं, वो भी ऊपर की अक्ल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह ने कहा, ऐ सरदारो, बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी रही, तो क्या जबरदस्ती मैं उसे तुम्हारे सर मंड दूंगा, हालांकि तुम इससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के हाँ है, न मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, क्या तुम कुछ भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, न मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, न मेरा ये कौल है कि जिन पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें कोई नेमत देगा ही नहीं, उनके दिल में जो है अल्लाह उसे बखूबी जानता है, अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों में से होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वो कहने लगे, ऐ नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका दिया, अब अगर तू सच्चा है तो जिस चीज का वादा तू हमसे करता था उसको ले आ। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है, अल्लाह को कोई आजिज नहीं कर सकता, और जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने उनसे कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम पर ये गिरा गुजरता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के दरपे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, तुमसे जो हो सके कर गुजरो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तुम अपने शरीकों और झूठे माबूदों को भी बुला लो, और मिलजुल कर मशवरे करके बात खोलकर पूरी कुव्वत के साथ मुझ पर हमला करो, तुम्हें कसम है तुम मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, इसमें कोई कसर उठा न रखो, मुझे बिल्कुल मोहलत न दो, अचानक मुझे घेर लो, मैं बिल्कुल बेखौफ हूँ, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते को मैं बातिल जानता हूँ, मैं हक पर हूँ, हक का साथी अल्लाह होता है,
मेरा भरोसा उसी अजीम जात पर है, मुझे उसकी कुदरत की बड़ाई मालूम है। नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज दिया, लेकिन किसी में ताकत न हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। चुनाचे कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ है, नऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल मामला इसी तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक के साल हसाल गुजर गए, लेकिन कोई मुसलमान न हुआ। फिर पहाड़ पर रहने वाले लोग रोज बरोज बुराई में तरक्की करते चले गए, और जो लोग शुरू में ईमान लाए थे उनके अलावा और कोई शख्स ईमान न लाया। नूह अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे मगर बेअसर, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अब कोई शख्स ईमान नहीं लाएगा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, नूह की तरफ वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा और कोई अब ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन न हो। मतलब ये था कि आप गम न करें, अल्लाह का हुक्म अब पूरा होने वाला है। गौर फरमाएं, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए, मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउमीद न हुए। अब जबकि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउमीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयात 26-28 में किया है। नूह ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला न छोड़, अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और इनके हाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार नाशुक्र होंगे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ न दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद के लिए पुकारा तो फिर हमने उसकी मदद की और उसे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, और नहीं वो बढ़ई थे कि इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये वही की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए उनकी रहनुमाई की कि वो इस तरह करें, और मजीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे न पानी था, चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस में उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और देव हैकल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो कश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें कश्ती बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है कि पहाड़ पर कश्ती बना रहा है, ताज्जुब है इस पर। अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयात 38 और 39 में किया है। नूह कश्ती बनाने लगे, उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाती, वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम मस्खरा बन कर रहे हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है, जो उसे रुस्वा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। इस कश्ती का हुलिया इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से एक रिवायत में यूं आया है, वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का जुहूर हुआ। इस कश्ती का तूल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था।
एक अंदाजे के मुताबिक इसका तूल 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि 30 हाथ थी और ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान न दे और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। गोया वो एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर दर्जे में एक दरवाजा था और ये 3 दरवाजे इस तरह थे कि हर दरवाजे के ऊपर एक दरवाजा था। ये इस कश्ती का खुलिया था जिसके रावी इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा है। ये कश्ती आज भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस कश्ती को बतौर इबरत और निशानी के बाकी रखा है जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक हमने इस वाकये को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। इस सदी में उलमा के एक गिरोह ने इस कश्ती को तुर्की के एक पहाड़ पर पा लिया है। अब वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। इसका हुलिया वही था जो बयान हुआ। अल्लाह का फरमान सच्चा साबित हो गया कि हमने इसको निशानी बनाकर बाकी रखा है। इसके बाद तूफान आया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को इस तूफान के जुहूर की एक निशानी और अलामत बताई थी। नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तनूर था। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तनूर जोश मारने लगे और पानी उससे उबलने लगे तो समझ लेना अल्लाह का वादा आ गया। चुनाचे उस वक्त मोमिनों को और अपने अहलो आयाल को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लेना। तनूर से क्या मुराद है, इसके मुतालिक मुफस्सरीन में इख्तिलाफ है। बास कहते हैं कि इससे मुराद एक चश्मा है जो जमीन से निकलता है, लेकिन राजे रिवायात के मुताबिक इससे मुराद मारूफ तनूर है जिसमें आग जलाकर रोटियां पकाई जाती हैं। ये तनूर नूह अलैहिस्सलाम के घर में था और इसी को अल्लाह ने तूफान के आने की अलामत बताया और फरमाया कि जब ये फूट पड़े उस वक्त हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती पर सवार कर लेना। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 40 में फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जोड़े दोहरे सवार कर ले और अपने घर के लोगों को भी सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। कश्ती में सवार होने वालों की तादाद 80 बताई जाती है। चुनाचे जब तनूर जोश मारने लगा तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। कश्ती उनकी बस्ती में लोगों से दूर पहाड़ पर थी। अल्लाह की कुदरत के तमाम किस्म के जानवर भी कश्ती के पास आ गए। नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सवार कर लिया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयात 11 और 12 में फरमाते हैं, बस हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया, बस उस काम पर जो पानी मुकर्रर किया गया था खूब जमा हो गया। आसमान से नाजिल होने वाला और जमीन से निकलने वाला पानी कितना था इसका अंदाजा अल्लाह ही को है। बहरहाल इस पानी ने जमीन पर रहने वाले इंसान, चौपाए, हैवानात, गरज हर चीज को गर्क कर दिया। इस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, नूह ने अपनी कौम से तंग आकर हमारे हुजूर दुआ की, हम तो हैं ही बेहतरीन तौर पर दुआओं के कबूल करने वाले। फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और उस तकलीफ और ईजा से उन्हें बचा लिया जो उन्हें कुफार से रोजमर्रा पहुंच रही थी, और उनकी औलाद को हमने बाकी रहने वाली बना दिया, यानी उन्हीं की औलाद से फिर से दुनिया आबाद हुई, क्योंकि सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे, और हमने उनका जिक्र खैर पिछलों में बाकी रखा। नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम जहानों में सलाम हो। हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदले देते हैं, वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने बाकी सबको गर्क कर दिया। अल्लाह मजीद फरमाते हैं, जब पानी में तुगयानी आ गई तो उस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दें, ताकि याद रखने वाले कान उसको याद रखें। यानी पानी इतना ज्यादा हो गया कि उससे तमाम शहर, बस्तियां, इंसान और जानवर गर्क हो गए, यहाँ तक कि पानी बुलंद पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया। और इतने बुलंद पानी पर ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपने दामन में समेटे अल्लाह के हुक्म से
और उसकी हिफाजत में पहाड़ की तरह रवा दवा थी, वरना इतने तूफानी पानी में कश्ती की हैसियत ही क्या होती है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो ये दुआ पढ़ें। अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश और रहम वाला है। यही अल्लाह का हुक्म आपको था कि जब तुम और तुम्हारे साथी ठीक तरह बैठ जाओ तो कहना, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से नजात अता फरमाई, और कहना कि ऐ मेरे रब, मुझे बाबरकत उतारना और तू ही बेहतर उतारने वाला है। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह आपको और आपके अहल को नजात अता फरमाएंगे। कश्ती में नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे के अलावा तमाम घर वाले सवार थे। आपके काफिर बेटे का नाम कनान था, वो एक तरफ खड़ा था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, मेरे बेटे इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी न बन। लेकिन उस बदबख्त ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगु जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उसे अपनी जद में ले लिया और उसे गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने वादा कर रखा था कि अल्लाह ताला उसके अहल को नजात अता फरमाएगा। चुनाचे जब आपकी आंखों के सामने आपका बेटा गर्क हो गया तो वो पुकार उठे, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था और तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को नजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है, लिहाजा नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा न हो। वाज़े हो कि नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटे के बारे में बात करना बतौर इस्तिफ़सार था, बतौर बहस नहीं था। आप वजाहत चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नसब को खत्म कर देता है। एक मोमिन का दूसरे मोमिन से ताल्लुक एक मुसलमान भाई के काफिर भाई से ताल्लुक से ज्यादा बड़ा है, और हकीकी अखुवत वो है जिसकी बुनियाद ईमान पर हो। कुफ्र तो नसबी ताल्लुक को काट देता है, इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो काफिर है बल्कि ये फरमाया कि वो तेरे अहल से नहीं है। हमारे लिए भी यही हुक्म है, किसी मोमिन का काफिर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता। इसके साथ अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत फरमाई कि आप हरगिज वो चीज न मांगे जिसका आपको मुतलकन इल्म ही न हो, और हम आपको नसीहत करते हैं कि जाहिलों में अपना शुमार कराने से बाज रहे। जब नूह अलैहिस्सलाम ये बात जान गए कि उनका सवाल वाकये के मुताबिक नहीं था तो फौरन उससे रुजू कर लिया और अल्लाह ताला से उसकी रहमत और मगफिरत के तालिब हुए। इस मौके पर उन्होंने दुआ की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगू जिसका मुझे इल्म ही न हो। अगर तू मुझे न बख्शेगा और तू मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। ये दुआ उन्होंने मांगी। अपने बेटे के मुतालिक सवाल के अलावा नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी नहीं की और न अपने नफ्स पर किसी नाफरमानी को शुमार किया। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को लिए पानी की मौजों पर बुलंद हो रही थी और जमीन पर मौजूद हर चीज, इंसान, हैवानात, चौपाए, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें कोई भी बाकी नहीं बचा था। अगर कोई जिंदा बचा था तो कश्ती वाले। इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 माह कश्ती में रहे, और बाज रिवायात में ये भी है कि वो मुहर्रम की 10 तारीख को कश्ती से नीचे उतरे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि वो तमाम पानी को निगल जाए। जमीन ने सारा पानी निगल लिया, जमीन खुश्क हो गई। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 44 में फरमाते हैं, और फरमा दिया गया कि ऐ जमीन अपने पानी को निगल जा और ऐ आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया, और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा ठहरी, और फरमा दिया गया कि जालिम लोग अल्लाह की रहमत से दूर हैं। कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आए, आप पर भी बरकत नाजिल होगी।
और उन कौमों पर भी जो आइंदा आपकी नस्ल से पैदा होंगी, और आपकी नस्ल में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हम फायदा तो जरूर पहुंचाएंगे, फिर उन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। बहुत सी रिवायात में ये बात मजकूर है कि नूह अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत यानी 6 माह कश्ती में तूफान थम जाने का इंतजार करते रहे। आपने तूफान के हालात मालूम करने के लिए एक कबूतर भेजा जो वापस आ गया, उसे पांव रखने को जगह न मिली। उसे दोबारा भेजा गया तो वो फिर वापस आ गया। चंद दिन बाद उसे फिर भेजा गया तो वो अपनी चोंच में जैतून की एक टहनी लिए हुए था। इससे नूह अलैहिस्सलाम ने मालूम कर लिया कि पानी जमीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन बाद उसे फिर भेजा गया। इस मर्तबा वो वापस लौटा तो उसके पांव खाक आलूद थे। नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि तूफान रुक गया और जमीन खुश्क हो चुकी है। सीरत की कुतुब में ये वाकया मौजूद है। इसी की बुनियाद पर सीरत निगारों का कहना है कि कबूतर का आना सलामती की अलामत था और उसकी चूंच में जैतून की टहनी नूह अलैहिस्सलाम की बादशाहत की तरफ इशारा था। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर उतर आए। उस वक्त औलाद आदम में से कोई इंसान सिवाय उन लोगों के जिंदा नहीं बचा था। जजीरा अरब फिलिस्तीन और इनके इर्द गिर्द का इलाका गर्क होने से महफूज रहा। इनके अलावा तमाम जमीन गर्क हुई थी। सब के सब तूफान की नजर हो गए। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से औलाद पैदा हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा और किसी की नस्ल बाकी न रही। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी और अबुल बशर सानी कहा जाता है, क्योंकि तमाम के तमाम बशर उन्हीं की तरफ मंसूब हैं। सूरत अस्साफात आयात 75-77 में इसी तरफ इशारा है। और हमें नूह ने पुकारा तो देख लो कि हम कैसे अच्छे दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदारों को उस जबरदस्त मुसीबत से बचा लिया। उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला दीगर उमम और रसूलों के मुतालिक कलाम करते हुए फरमाते हैं, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ चढ़ा लिया था, वो हमारा बड़ा ही शुक्रगुजार बंदा था। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। साम की नस्ल ज्यादातर सफेद रंगत की थी और बहुत कम लोग उनमें स्याफाम थे, अलबत्ता कुछ उनमें गंदुमी थे। हाम की औलाद की अक्सरियत स्याफाम थी, उनमें बहुत कम लोग सफेद रंग के थे, और याफिस की औलाद सुर्खी मायल रंग की थी। अरब और बनु इसराइल साम की औलाद हैं, तमाम हबश हाम की औलाद हैं, तुर्क और मशरक़ी एशिया के लोग याफिस की औलाद हैं। तूफान के बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदों में 350 साल तक जिंदा रहे और वो अल्लाह के कौल अब्दन शकूरन के मिस्ताक थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। राजह तरीन रिवायात के मुताबिक आप मक्का में दफन हुए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक आप लबनान में दफन हुए।